नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट और बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ कर लेते हैं। धमतरी में नक्सल मोर्चे पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। रविवार को बोराई थाना क्षेत्र में नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में डीआरजी जवानों ने एक नक्सली को भी मार गिराया है। उसके पास से नक्सली साहित्य के साथ ही वर्दी और कई सामान भी बरामद किए गए हैं। डीआरजी धमतरी और डीआरजी गरियाबंद की संयुक्त टीम रविवार देर शाम से क्षेत्र में सर्चिंग ऑपरेशन कर रही थी। इसी बीच रविवार सुबह धुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र गाँव कारीपानी के जंगल में डीआरजी पुलिस और नक्सलियों का आमना सामना हो गया। ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद नक्सली जंगल में ही भाग निकले। वहीं डीआरजी की जवाबी कार्रवाई में एक नक्सली मार गिरा है, जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस मारे गए नक्सली के शव को जिला अस्पताल लेकर पहुंची। जवान अभी भी इलाके में सर्चिंग कर रहे हैं। पुलिस जल्द ही मामले में बड़ा खुलासा कर सकती है। इस पर धमतरी डीआरजी की और गरियाबंद डीआरजी की संयुक्त टीम बनाई गई और ऑपरेशन भी निकाला गया, कटआउट पॉइंट लगाया गया और लगभग दिन में एक दो बजे के आसपास दोनों के बीच फायरिंग हुई। डेढ़ घंटे तक करीब फायरिंग चली, 880 राउंड चले। इसमें एक नक्सलवादी मारा गया, उससे उसकी डेड बॉडी और दो वेपन और बहुत सारी सामग्री और गोली और ये सब बरामद किए गए।